श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चावल स्टार्च मतलब जो माड़ होता है चावल स्टार्च से आप वायरल बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं। वायरल बुखार के इलाज के लिए प्राचीन काल से आम घर उपाय है। चावल का जो स्टार्च होता है हिंदी में कांजी के रूप में जाना जाता है, माड़ भी कहते हैं बहुत लोग। यह एक पारंपरिक उपाय प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है। यह विशेष रूप से वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों और बड़े लोगों के लिए एक प्राकृतिक पौष्टिक पेय के रूप में कार्य करता है। अब इसे कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल है, हर घर में माड़ बनता है, हर घर में चावल बनता है। एक भाग चावल और आधा भाग पानी डालकर चावल के आधा पकने तक पकाइए। इसके बाद पानी को निखार कर अलग कर लीजिए और उसमें स्वादानुसार नमक मिलाइए और इसको आपको गरम गरम ही पीना है। इससे वायरल बुखार में तुरंत आराम मिलता है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं और ये काफी पौष्टिक भी होता है। इससे बच्चों को पिलाएंगे क्योंकि चावल का जो पूरा निचोड़ होता है वो पूरा उस माड़ में आ जाता है, उस पूरा पानी में आ जाता है, जो आपके सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।